तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्टडी कर रहे हो ना अच्छी तरह से? तो आज गेट ऑल इन वन चैनल आपके लिए लाया है ग्रामर कंटेंट। हमारा पहला वीडियो जो ग्रामर से रिलेटेड है, और इसे अच्छे से देखना है। और मुझे पूरा यकीन है आप जब ध्यान से अच्छे से सुनोगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी वन एंड मेनी, एक और बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, कहाँ पे वी ई एस लगाना है। ये सारे जो आपके कंसेप्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो आज हम क्लियर करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल से मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करें सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी वन एंड मेनी। सो लेट्स बिगिन। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एस कहाँ पे लगाते हैं, किस किस शब्द में एस लगाते हैं। तो चलो देखें, वी एड एस एट द एंड ऑफ सम नाउन्स टू मेक देम प्लूरल, यानी जो सिंगुलर रहते हैं, यानी जो वन रहते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे सिर्फ हम वो वर्ड वैसा ही कॉपी करके सिर्फ उसके आगे एस लगा देते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें कैसे, अभी ये देखो सिंगुलर में, अभी यहाँ पे आप देखोगे डॉग है। डॉग एक ही कुत्ता है, जब एक ही कुत्ता है तो हम उसे क्या बुला रहे हैं, यानी वन फॉर्म में हम उसे कह रहे हैं डॉग। बट जब हम उसे प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा जब कुत्ते साथ में आ जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे दो का पिक्चर है, फिर भी हम इसे प्लूरल में ही कन्वर्ट करेंगे, यानी मेनी में। तीन कुत्ते हो या चार पांच कुत्ते हो या बहुत ज़्यादा, इन शॉर्ट एक से ज़्यादा जब डॉग है तो हम उसे मेनी यानी प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ देखो डॉग की स्पेलिंग ली है और वहाँ पे आगे सिर्फ एस ऐड किया है और वो बन गया डॉग सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखें, ये देखो ये किसकी पिक्चर है? फ्लावर की। फ्लावर की स्पेलिंग वैसी ही वैसी है और लास्ट में ऐड किया है एस। कुछ कुछ नाउन्स ऐसे रहते हैं जिन्हें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें आप सिर्फ एस ही लगा दोगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे और आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी सिंगुलर और प्लूरल और ये सिंगुलर प्लूरल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी आप देखो एक फ्लावर की पिक्चर है तो वो सिंगुलर यानी वन फॉर्म में है, बहुत सारे फूल जब एक साथ है तो उन्हें फ्लावर्स कहेंगे। ओके, अभी देखो कुछ एग्जाम्पल आपको इसको कन्वर्ट करके आपको लिख लेना है। बेल, फ्रॉग, डक, चिक, एप, बॉल, एप्पल, डेस्क, बेड। ये भी उसी फॉर्म में है, यानी ये मैंने सिंगुलर में दिया हुआ है, आपको या तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में या तो आपके नोटबुक में लिख लेना है। ये वैसे सिंपल वाले नाउन्स हैं जिसे हम सिर्फ एस लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे वाले, ये सिंपल वाले जो अभी हमने स्टडी किए हैं, एप्पल्स, बॉल्स, डेस्क। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अभी आपको समझ में आएगा। वी नीड ई एस, अभी लास्ट जो हमने वन और मेनी फॉर्म देखा उसमें हमने सिर्फ एस लगाया था, पर कुछ अभी ये जो वर्ड्स है यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ई एस। तो ई एस कब लगाना है वो आप अभी समझोगे। टू सम नाउन्स दैट एंड विथ, जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं, जैसे उसमें लास्ट का स्पेलिंग क्या था? डी ओ जी, डॉग। तो लास्ट अल्फाबेट क्या था?
जी था। तो अभी ऐसे ही हम कह रहे हैं कि लास्ट में जहाँ पे ओ अल्फ़ाबेट होगा या तो एस एच अल्फ़ाबेट होगा या तो एक्स अल्फ़ाबेट होगा। एक्स अभी सपोज बॉक्स, बॉक्स का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या आया? एक्स, राइट। तो हम मेनी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ई एस लगा देंगे, बी ओ एक्स बॉक्स और साथ में ई एस एस। तो ये हो गया बॉक्स, बॉक्सेस। तो ई एस किस किस को लगाना पड़ता है वो आपको देखना है। ई एस आपको लगाना होगा जहाँ पे लास्ट अल्फ़ाबेट हो ओ, लास्ट अल्फ़ाबेट आपको दिखाई देगा एस एच, लास्ट अल्फ़ाबेट होगा एक्स एस या तो सी एच। ओके, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे उन्हें आपको सिर्फ क्या लगाना है? आपको लगाना है ई एस लगाना है, आपका वन से मेनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो लास्ट में क्या है? सी एच, जैसे हमने वहाँ पे बताया था, आपको सिर्फ लास्ट के अल्फ़ाबेट देखने हैं। आपको अगर ये ध्यान में रह जाएगा तो आपको सिंगुलर और प्लूरल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी बहुत ज़्यादा, यानी बेंच। बेंच अभी क्या किया है? स्पेलिंग वैसे ही लिखी है, सिर्फ क्या ऐड किया है? ई एस, जब एक से ज़्यादा हो रहा है तो ई एस ऐड करना है। ओके, और आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ लास्ट के अल्फ़ाबेट्स को कैसे ध्यान में रख के उन्हें क्या ऐड करके चेंज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, लास्ट का अगर ओ भी अगर रहा तो आपको क्या ऐड करना है? ई एस। अगर यहाँ पे लास्ट में ओ या कुछ उसके रिलेटेड नहीं होता तो आपको ई एस नहीं लगाना होता, जैसे हमने पहले इसमें देखा है। ओके, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अभी ये क्या है? पोटैटो और बहुत सारे पोटैटोस, ई एस यहाँ पे ऐड किया है। तो लास्ट के कौन से अल्फ़ाबेट को ई एस ऐड करना है एक बार फिर देखें। ओ, जैसे पोटैटो को अभी ओ था, या तो एस एच, या तो एक्स, या तो एस और सी एच। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये फाइव स्पेलिंग्स आपको, फाइव अल्फ़ाबेट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये अल्फ़ाबेट्स, ये आपको जहाँ पे भी कोई स्पेलिंग में पीछे नज़र आए तो मेरे हिसाब से मेनी फॉर्म करने में आपको अभी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखें और भी एग्जांपल्स, तो यहाँ पे वही है, आपको क्या करना है? आपको या तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ट्राई करके देखना है या तो आपके नोटबुक पे भी ट्राई कर सकते हो। अभी ब्रश है, लास्ट में एस एच है, तो हम क्या ऐड करेंगे? ई एस, ब्रश, ब्रशेस। ग्लास, ग्लासेस, ई एस। आपको सिर्फ लास्ट का अल्फाबेट पे आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये आपका है होमवर्क सेक्शन। अभी और स्टडी करें। अभी क्या है? वी ऐड वी ई एस। सबसे पहले वाले जो हमने वन और मेनी देखा था उसमें हमने सिर्फ एस ऐड किया था, फिर बाद में हमने ई एस वाला देखा। अभी हम देखेंगे वी ई एस कहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमें लास्ट का अल्फ़ाबेट कौन सा देखना आएगा? टू सम नाउन्स दैट एंड विथ, जो लास्ट में किससे एंड होता है। इसमें तो सिर्फ दो है, आपको याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा, या तो एफ या तो एफ ई। तो सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट आपको देने हैं लास्ट में, या तो एफ होगा या तो एफ ई होगा। अगर ऐसे अगर आपको अल्फ़ाबेट्स देखे लास्ट में तो आपको क्या ऐड करना है वहाँ पे? वी ई एस। ओके, टू मेक देम प्लूरल रिमेंबर। अभी यहाँ पे रिमेंबर एक इम्पॉर्टेंट नोट दी है। क्या है वो इम्पॉर्टेंट नोट? अगर आप एफ और ई, एफ ई लिखोगे तो आपको वो हटा देना है, यानी ये अल्फ़ाबेट जहाँ पे भी आप देखोगे। अभी जैसे आप देख रहे हो डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। ओके, आपको ये एफ ई आपको हटा देना है, W I और
इसमें हम ये प्लूरल में क्या ऐड करने वाले हैं, वी ई एस, ऐसे। तो अभी तक जो भी हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़े उसमें क्या था, आपको सिर्फ वो वन के साथ मेनी को या तो एस ऐड करना था या तो ई एस ऐड करना था, पर कोई भी आपको वहाँ से कट नहीं करना था। ये फॉर्म में आपको हटा देना है, निकाल देना है, और आपको क्या निकालना है, या तो एफ निकाल देना है या जहाँ पे भी लास्ट में एफ ई दिखाई दे वो भी आपको हटा देना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे नाइफ, नाइफ यानी क्या, छुरी, जैसे हमने एग्जांपल देखा, एफ ई आपको हटा देना है, राइट। एफ ई हटा के आपको क्या लिखना है, वी ई एस। ये देखो नाइफ की स्पेलिंग, पहले जो हमने जब डॉग का देखा, डी ओ जी डॉग और डी ओ जी एस हमने ऐड किया था, पर जी को हटाया था बिल्कुल भी नहीं, बॉक्स देखा था, राइट, और वहाँ पे बॉक्सेस ई एस हमने ऐड किया था, पर हमने कोई भी अल्फाबेट हटाया नहीं था। पर इसमें हमें क्या करना है, लास्ट में आपको एफ दिखे या तो एफ ई दिखे तो आपको ये दोनों अल्फाबेट जो है हटा देने हैं, वो प्लेस से निकाल के आपको क्या ऐड करना है, वी ई एस आपको ऐड करना है। ये ध्यान रखना, ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर और प्लूरल देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आज तक हम इसे समझ गए थे। ओके, ये हो गया सिंगल नाइफ और बहुत सारे नाइव्स। ओके, ये देखो तेजधार चाकू, जैसे हमें खेलना नहीं चाहिए, चोट भी लग सकती है। फिर से मैं आपको कहूँगी, आपको एफ ई हटाकर वी ई एस ऐड करना है, और वो कब, जब आपको लास्ट में या तो एफ या तो एफ ई करके आपको अल्फाबेट दिखाई दे। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, लीफ। अभी यहाँ पे लीफ पे भी देखो, लास्ट में एफ है तो हम एफ हटा देंगे। लीफ की स्पेलिंग क्या है, एल ई ए एफ, लीफ, और एफ हटा के हम क्या लिखेंगे, वी ई एस। तो मेनी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना इजी है, और आज तक हम तो इसे बहुत डिफिकल्ट समझ रहे थे, सोचते थे कि वन और मेनी को कैसे लिखें, तो सिर्फ एफ हटा दिया और वी ई एस डाल दिया, हमारा वन से मेनी में कन्वर्ट हो गया, एक पत्ता बहुत सारे पत्ते, वन लीफ एंड मेनी लीव्स। मेनी लीव्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, लीव्स में अगर मैं बोल देती हूँ यानी समझ में आएगा कि बहुत सारे हैं। और ये अभी आपके लिए कुछ एग्जाम्पल जो आपको सॉल्व करने है, आपका होमवर्क। ध्यान रखना, एफ को आपको हटा देना है और क्या ऐड करना है, वी ई एस, एफ को हटा कर वी ई एफ, एफ को हटा के वी ई एफ, सॉरी वी ई एस, यहाँ पे एफ ई को हटा के वी ई एस। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, थीफ, काल्फ, वुल्फ, वुल्फ, वाइफ, एल्फ, सॉरी यहाँ पे लूफ था। ओके, ये आपका होमवर्क सेक्शन है। और अभी हम एक और देखेंगे, अभी क्या है, व्हेन अ वर्ड एंड्स इन वाई। अभी जो वर्ड, अभी हमने पहले क्या देखा था, एस ऐड करना है, सेकंड वाले में हमने ई एस देखा, फिर जब हमने वी ई एस देखा तो हमने ये देखा कि एफ और एफ ई को हटा के हमें किसी को ऐड करना है। अभी उसी तरह हम देखेंगे वाई वाले अल्फाबेट, जो लास्ट में वाई से एंड होते हैं, हमें वाई को हटा के आई ई एस को डालना है, जैसे हमने वी ई एस को ऐड किया था एफ और एफ ई को हटा के। तो लेट्स रीड इट फर्स्ट, व्हेन अ वर्ड एंड्स इन वाई वी यूजुअली ड्रॉप वाई, यानी हम वाई निकाल देते हैं एंड ऐड आई ई एस, उस जगह क्या ऐड करेंगे, आई ई एस टू मेक इट प्लूरल। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे फेरी यानी परी,
फेरी की स्पेलिंग क्या है, FAIRY, और ये Y को हमें क्या करना है, हटा देना है। जब हमें मेनी में कन्वर्ट करना है, Y को जब हम हटा देंगे तो हमें क्या ऐड करना है, देखो FAIR फेयर, ये स्पेलिंग वैसी ही लिखी है, सिर्फ Y को हटा दिया है और क्या लिखा है, IES, तो ये बन गया फेरीज। अभी हिंदी में हम तो बोलते हैं एक वचन अनेक वचन, एक परी बहुत सारी परियां, परियां भी बोलते हैं, बहुत वर्ड भी यूज़ करते हैं, पर इंग्लिश कैसा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर हम फेरीज भी बोल देंगे समझ जाएंगे कि बहुत सारों की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये है एक फेरी और यहाँ पे बहुत सारी परियां। ओके, सो मेरे को लगता है आपको समझ में अभी आ ही रहा होगा। अभी फर्स्ट वर्स्ट अगर आपको पीछे याद होगा तो कौन सा था, डॉग का, और क्या ऐड किया था, डॉग्स। लास्ट में अल्फाबेट क्या था, जी था, इसके लिए हमने सिर्फ एस ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। बट ये वाला प्लूरल जो है, पपी यानी डॉग का छोटा सा बेबी आपकी तरह, ये वाई, वाई को आपको हटा देना है और इसके जगह आपको क्या ऐड करना है, IES, ये ध्यान में रहे, आपको सिर्फ वाई को हटाना है, बाकी कोई भी अल्फाबेट को आपको टच नहीं करना है। तो वन पपी, मेनी पपीज, बहुत सारे पपीज। ओके, तो आपको लास्ट के स्पेलिंग्स में ही ध्यान रखना है, कोई Y है, कहाँ पे F है, कहाँ पे FE है, कहाँ पे SH है, कहाँ पे X है, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, सारी बातें तो सिंपल में हो नहीं जाएगी। लेकिन मैंने आपको बहुत ही अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है कि लास्ट के अल्फ़ाबेट देख के आप वन से मेनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका फिर से होमवर्क सेक्शन, लेडी चेरी, बेबी सिटी, स्टोरी आर्मी। तो आपको क्या करना है, वाई को हटा के, वाई को हटा के क्या ऐड करना है, IES, स्टोरी स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरी, बेबी की जगह पे यहाँ पे आई और ये ES, बेबीज। सो दिस इज योर होमवर्क सेक्शन एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सिंगुलर एंड प्लूरल। आई होप आपको बहुत ही इजी लगा हो और इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है कि आज मैंने बहुत ही इजी वे में वन को मेनी में कन्वर्ट करना सीखा है। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।